आप सिंध को देखो तो आपको पता चलेगा सिंध कितना रिच है कल्चर में, डेवलपमेंट में। आपका मसला ये है, आपका प्रॉब्लम ये है, हम सब काफी लोगों का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से इस्लामाबाद तक, लाहौर तक चले जाएंगे, वो सारे रोड फाक के हैं जिन पे आप ट्रेवल करते हैं, जो बहुत खराब नजर आते हैं। जरा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं कहीं अभी आप चले जाएं नवाबशाह से, नवाबशाह शहर से आप चले जाएं, नवाबशाह एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, मीरपुर खास एक डिविजनल हेडक्वार्टर है, आप जरा एक ग्राउंड लगा लें। और ये वो रोड थे, इधर हमारे एक मेंबर हुआ करते थे 2012 में, वो भी पार्टी नहीं, शायद आपनी राणा साहब होते थे, वो सत्तार, वो उस वक्त अपोजिशन में थे और वो आके कहते थे कि जी रोड बनाओ, ये 11-12 की बात है जब वो थे मेंबर, और कहते थे कि हालत हमारे रोडों की ये है कि मुर्दा ट्रेवल करते तो उठ खड़ा होता है वो। अब जाके वही रोड जो जिनकी वो बात करते थे वो देखें, ये कंटिन्यू करें, हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान, ये ड्यूल कैरिज वे टंडोला यार बाईपास, ये मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ जो हमने 2018 से पहले बहुत सारे बनाए, जैसे इधर मैंने हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरिज वे नहीं दिखाया जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया, कराची ठट्टा ड्यूल कैरिज वे नहीं दिखाया जो हम पहले बना चुके थे, आगे मिट्टी टू डीप्लो, खिपरो से उमरकोट, ये अभी इस साल कंप्लीट हुआ है, अली बंदर से डीप्लो, ये सब जानते होंगे, ठट्टा से गुड़ाभारी एमपी आज मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिटेंसी है, ये मलीर एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है, शायद आप लोगों ने देखा नहीं तो जाके देख लें, इंशाल्लाह 14 अगस्त को मैं कोशिश है पूरी कि इसका कायदाबाद तक इसको हम ओपन करें ट्रैफिक के लिए।